नमस्कार दोस्तों, मैं आरके राय आपके अपने चैनल आयुर्वेदिक हर्ब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बताया था कि लीवर की 3 समस्याएं आम तौर पर होती हैं और उसका आयुर्वेद में उपचार क्या क्या है, तो यह 3 समस्याएं क्या क्या हैं। नंबर 1 फैटी लीवर, नंबर 2 लीवर इन्फेक्शन, नंबर 3 हेपेटाइटिस बी एंड सी। तो बात करते हैं सबसे पहले फैटी लीवर के बारे में कि फैटी लीवर के लक्षण क्या क्या हैं। फैटी लीवर का वैसे तो कोई खास लक्षण नहीं है, लेकिन जब वसा अप्रॉक्स 40-50% लीवर में जमा हो जाता है तो फैटी लीवर के लक्षण सामने आने लगते हैं। जो व्यक्ति जो कुछ भी खाता है उसे पचाने के बाद उसमें से जो पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम लीवर करता है, यह प्रॉपर नहीं कर पाता, जिससे अंग का आकार बढ़ जाता है। इस कारण एंजाइम्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारा लीवर प्रभावित होता है, जिसके कारण भूख न लगना, जी घबराना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहना, यही आगे चल करके पीलिया का रूप ले लेता है। तो इसका आयुर्वेद में इलाज क्या है, तो आज हम बात करते हैं कि इसके इलाज के बारे में। इसका आयुर्वेद में कई प्रकार के सिंपल उपचार हैं। नंबर 1 गिलोय एलोवेरा का जूस, करेले का जूस नियमित रूप से 2 बार सुबह और शाम पिएं। आंवले का पाउडर नियमित ले सकते हैं, यह लगातार उपयोग से आपको काफ़ी आराम और इसका असर कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि खाने के बारे में, जिसका फैटी लीवर है वह क्या खाए और क्या ना खाए। इसमें तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, जैसे नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, अनार, सेब सहित अन्य फल की मात्रा आप खाने में बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ नॉर्मल डाइट का खाना खाएं, बिना तेल और मसाले के साथ। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लीवर इन्फेक्शन के बारे में, उसका मेडिसिन के बारे में। तो आप हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।